पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य और जिला प्रभारी सुरेंद्र नागर और क्षेत्रीय महामंत्री विकास अग्रवाल, हरिओम शर्मा, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर राकेश सिंह, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा और सुरेश सैनी ने जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली सिंह और 6 ब्लॉक प्रमुखों जिनमें छजलैट ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह, मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख मनीष सिंह, डिलारी ब्लॉक प्रमुख पूनम चौधरी, बिलारी ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी, भगतपुर टांडा ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह, मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख नवदीप यादव का भी स्वागत और अभिनंदन किया गया। सर्वप्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली चौहान ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि हम सब जिले की सरकार हैं, हमें सभी को मिलकर काम करना है, सभी को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास की पद्धति पर काम करना है। उनके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा ने जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी 6 ब्लॉक प्रमुख का अभिनंदन समारोह में कहा कि सभी को एकजुटता के साथ 2022 के चुनाव में अभी से लग जाना है। जैसे हमारी सरकार 2017 में जनता का पूर्ण समर्थन लेकर सरकार बनाई थी, उससे अधिक समर्थन 2022 में मिलेगा। इसी क्रम में क्षेत्रीय महामंत्री विकास अग्रवाल ने कहा, मोदी जी और योगी जी की नीतियों को गांव-गांव गलियों-गलियों में ले जाकर बताना होगा, जिससे हमारी सरकार जन-जन तक पहुंच सके। आगे क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा ने सभी के स्वागत और अभिनंदन समारोह में कहा कि आज हमें पहले से ज्यादा कार्य करने की जरूरत है तथा मोदी जी और योगी जी के सपनों को साकार करने तथा सबका साथ सबका विकास करते हुए चलना है, जिससे हमें 2022 के चुनाव में 300 से पार बहुमत मिले। अंतिम क्षणों में जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान ने जिला प्रभारी और राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नागर तथा सभी अतिथियों और पदाधिकारियों तथा मंडल के मंडल अध्यक्षों और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। बहन और इस जिले की न मेरे बाजी जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बहन डॉक्टर शैफाली चौहान जी, हमारे सबके मार्गदर्शक मेरे पिता तुल्य, जिनसे मैंने आपको के दम पर ही मंच है, आप सबने बहुत सहयोग किया है, मुझे पार्टी का आदेश मिलता है, आप लोग लगातार काम करते हो। इस समय 2022 की तैयारी ये प्रक्रिया चल रही है, अभी लोग जो सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल कह रहे थे कि जिला पंचायत के सदस्य का जो चुनाव हुआ, जो बड़ी भारी नंबर फैलाई, मीडिया का जोर नहीं आया था, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर आ गए, अब विराट मुमकिन हुआ जिला पंचायत में सूखा साफ हो जाएगा। लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं के बल पर, हमारे प्रदेश नेतृत्व माननीय योगी जी के जो सिस्टम बना, हमने ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में हासिल की जो आज तक कभी थी, तो सपा बसपा के टाइम में जो पूर्व प्रदेश होती थी, वो लोग जितने जिला पंचायत सदस्य प्लाकों नहीं बना पाए, जिस कार्यक्रम को पार्टी ने अपने प्रत्याशी बना दिया, सारे लोग लग गए। और उस उत्तर प्रदेश में जो इस समय हवा चल रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 2022 तक चलती रहेगी। पार्टी कभी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित करके चुनाव नहीं लड़ती, जब रिजल्ट आए, जब परिणाम आए, तो पूरे प्रदेश में बहस हुई, टीवी चैनल पर बहस हुई कि उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए हैं, वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ वो एक बात को छुपा गया, आज भी बहुत सी ऐसी सीटें हैं कि जहां ब्लॉक प्रमुख के हमारे दो उम्मीदवार हैं, वहां रिक्त सीटें हमने छोड़ी, और बहुत से ऐसे उम्मीदवार हमारे हैं कि उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव जीत गया, उनको निर्दलीय मीडिया के लोगों ने दिखाया, विपक्ष के लोगों ने निर्दलीय बता दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी ऑफिशियल प्रत्याशी जीत के आए, उसके साथ साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए, उसमें भी ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आए। नहीं तो आज भ्रम की स्थिति है, कार्यकर्ता हमारे बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उनसे पूछ लेना, जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं जीत के आए जिला पंचायत में, क्षेत्र पंचायत में,
अगर नहीं जीत के आते तो आज उत्तर प्रदेश में 67 जिला पंचायत के अध्यक्ष